हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स। मेरा नाम है सौरभ साहा और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बना सकते हैं अच्छा सा वाटर कलर लैंडस्केप, जैसे कि ये लैंडस्केप जो कि मैंने लाइव बनाया है एक आउटडोर सीन में, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बीएफए एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आपको वाटर कलर की होल्ड अच्छे से होनी चाहिए और ये आउटडोर लैंडस्केप्स करना सबसे इम्पोर्टेंट है उसी गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि इससे हमें अच्छे से कलर नॉलेज मिलती है और साथ में हम कैसे वाटर को होल्ड करें उसकी नॉलेज भी हमें अच्छे से मिलती है। तो आज हम यही करेंगे और आज मैं आपको सारे टेक्निक्स बताऊंगा वाटर कलर के लैंडस्केप पेंटिंग के लिए। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वैल्यू स्टडी से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है लैंडस्केप करने से पहले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 स्केचेस बना के रखे हैं। इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ कि पेंसिल से पहले और दूसरे स्केच को मैं वैल्यूज के हिसाब से डिवाइड कर दे रहा हूँ और सिंपल बस स्केचेस कर दे रहा हूँ कि कौन सी जगह पर डार्क्स होंगे, कौन से पे लाइट्स होंगे। तो सबसे पहला वाला स्केच मैंने डिसाइड कर लिया कि उसी को मैं यूज़ करूँगा और जो थर्ड स्केच है उसको मैं वाटर कलर से ब्लैक वाटर कलर का यूज़ करके वैल्यू स्टडी को एकदम फिक्स कर ले रहा हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि कैसे लगने वाला है ये ड्राइंग और कॉम्पोजिशन क्या होने वाला है। इस स्टडी का मेन रीज़न यही है कि हमको वैल्यू और कॉम्पोजिशन पता चल जाए और देखने मिले कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं हमारे पेंटिंग के लिए, क्योंकि अगर हम फाइनल पेंटिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो उससे अच्छा है कि फर्स्ट में हम देख ले कि वो किस तरह का दिखने वाला है। तो इसीलिए हम ये स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसमें, ऑलमोस्ट हाफ आवर बस इतना ही देना है ताकि देखने मिल जाए कि क्या है बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए और बाद में हमें टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो इसके लिए हमने ये वैल्यू स्टडी किया और ये वैल्यू स्टडी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है यहाँ पर। तो इसके बाद हम ओरिजिनल पेपर पे चले जाते हैं। मैं यहाँ पर कोल्ड प्रेस पेपर यूज़ कर रहा हूँ विथ हाई अमाउंट ऑफ ग्रेन और लार्ज ब्रश का यूज़ करके मैं लार्ज वॉशेस दे रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक स्लैंटेड पोजिशन यूज़ किया अपने पेपर को खड़ा करने के लिए, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द कलर मिक्सेस वेल वाइल वी आर अप्लाइंग द पेंट। सो इसलिए इन स्लैंटेड वे इट हेल्प अस टू मिक्स द कलर बिकॉज इट फ्लोज डाउन। तो इसीलिए हम स्लैंटेड फॉर्म में इसको बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो वॉश है उसमें हम बहुत ही हल्के से पानी स्प्रेड कर लिया है, उसके ऊपर हम जो भी कलर देंगे वो काफ़ी लाइट हो जाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है और जितना चाहे हम क्रिएटिवली अपने कलर्स को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जितना चाहे वो कलर हम पुट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है कि जो कलर वेरिएशन है वो अच्छा हो और जो एक्चुअल है वो फन कलर्स हम इसमें दें और दिखने में अच्छा लगे, ऐसा एक कॉम्पोजिशन बने। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, स्काई का कलर दिया, उसके बाद ग्राउंड के लिए ऑकर येलो दिया और फिर अभी मैं जो कर रहा हूँ कि जो ग्रीन्स है फॉरेस्ट के उसके लिए मैं डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन्स स्प्रेड करते जा रहा हूँ विथ माय लार्ज ब्रश 1 इंच ब्रश एंड उसके बाद मैं जो थोड़े से डार्कर एरिया से उसके लिए ब्लू और ग्रीन का एक मिक्सचर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी फ्रेश कलर है और दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसको मैं स्प्रेड कर दे रहा हूँ थ्रू आउट द पेपर इन द शेप ऑफ द फॉरेस्ट दैट्स बिहाइंड। ओके, सो हमारा जो वॉश है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, फर्स्ट वॉश। तो हम इसमें इसको 3 स्टेप में करेंगे, फर्स्ट वॉश, सेकंड वॉश एंड द थर्ड डिटेल स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में हम इसी तरह से बस कलर को ब्लॉक आउट कर रहे हैं और शेप को डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे इसका शेप होगा। तो ये फर्स्ट वॉश ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और पूरी तरह के इसे सूखने के बिना ही हम सेकेंड वॉश इसका स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि ये पूरी तरह से सूख जाए, बस इतना ही चाहिए कि मतलब
रेडी हो हमारा नेक्स्ट लेयर लेने के लिए, क्योंकि अगर हम पूरी तरीके से इसके सूखने का इंतज़ार करते रहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो एजेस है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाए और वो दिखने में इतना अच्छा ना लगे। तो अभी कंपोजिशन ठीक ही लग रहा है, तो उसके बाद हम क्या कहते हैं अपने जो हाउस है उसको पूरा हमने एक वाश से कवर कर लिया। फिर भी देखिए आप कलर वेरिएशन उसमें है, तो हम अपने रोड पे भी अपना सेकंड वाश डाल चुके हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लाइट दिख रहा था, तो उसमें हमने वो ऑकर येलो का और एक वाश दे दिया। आपने देखा होगा कि जो ट्री है हमारे राइट साइड में उसको हमने पूरा ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि वो हमने कंपोजिशनल डिसीजन लिया था कि वो एक वाइट स्पेस की तरह यूज़ होगा। और यहाँ पर मैं सिंथेटिक ब्रश का यूज़ करके जो कोकोनट ट्रीज है उसको मैं अच्छे से कोकोनट ट्रीज या पाम ट्रीज कुछ है उसको हम अच्छे से डाल दे रहे हैं, उसके लीव्स को उसको हम थोड़ा सा डार्क दे रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करना चाहिए क्योंकि उसका जो शेप है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीचे कलर वेरिएशन हम काफ़ी ज़्यादा डाल रहे, ऊपर वो ब्लू है, फिर हल्के से ग्रीन होते होते रेड होते होते वो नीचे चला जा रहा है। तो उसी तरह से हमें हमेशा कलर वेरिएशन ऐड करते जाना है ताकि हमारा जो कॉम्पोजिशन हो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। तो इसके बाद हम फिर से जो फॉरेस्ट पे आ रहा है, इस बार हमें इसमें थोड़ा सा डार्क एरियाज़ को ऐड करना है। तो हमने क्या किया, जो हमारा जो वैल्यू स्टडी था उसी को लेके हम इसमें डार्क एरियाज़ को ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जो थोड़ा सा मीडियम ब्रश है उसका यूज़ करके डिवाइड कर दे रहे सारे एरियाज़ को, बुशेस जहाँ पर भी है उसको हम बस थोड़ा सा हम दिखा दे रहे कि यहाँ पर ये जगह है। हर एक डिटेल में हमें नहीं जाना, बोल स्ट्रोक का यूज़ करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक फ्लैट ब्रश चूज़ करके जो डार्क एरियाज है उसको कवर कर दिया। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया कि काफ़ी ज़्यादा डार्क कर दिया मैंने जो बैकग्राउंड है उसको, इसलिए हम इसके बाद और एक दूसरा भी बनाएंगे जिसमें हम थोड़ा कम डिटेल कम डार्क यूज़ करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये भी अच्छे लग रहे हैं। तो इसके बाद हमारा जो सेकंड वॉश है वो लार्ज ट्री एरियाज़ का वो हो चुका है। उसके बाद हम जो छोटे छोटे डिटेल्स है जो एक टोटो जा रहा है उसको भी हम पेंट कर ले रहे हैं, और साथ में वहाँ पर एक ह्यूमन है उसको भी हम काफ़ी सिंपल कलर्स का एक वॉश दे के बस समझ में आना चाहिए कि वहाँ पर कोई खर है, बस उतना ही हम कर रहे हैं अपने डिटेल ब्रश से। इसके बाद हम राइट साइड में आते हैं और हमने स्काई का एक ब्लू लेके उसको कॉरस्पॉन्ड कर दिया अपने ट्री में, तो क्या होगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग से डायनेमिक बन जाता है। तो उसके साथ साथ ही हमने यहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ किया है जो कि कूलर कलर है फॉर द शेडो। तो इसी तरह से अभी मैंने उसको फ्लैट प्लेन पे ला दिया क्योंकि अभी हमें ड्रिपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने थोड़े बहुत डिटेल्स भी ऐड कर दिए। ये हमारा फाइनली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस घर को पेंट करना बाकी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो विंडो था उसमें उसको डार्क कर दिया, और जो पूरे घर के वॉश है उसको हमने पहले डार्क किया था लेकिन क्योंकि वाटर सूख गया तो काफ़ी लाइट हो चुका है, उसको हम थोड़ा और डार्क कर दे रहे हैं। और उससे क्या होगा, जो हमारा जो ट्री था वो उभर के सामने आएगा और एक सेंस ऑफ डेप्थ भी हमें इससे मिलेगा। तो इसी तरह से हमारा घर बनने के बाद हमारा जो पूरा कंपोजिशन है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और इसी तरह से हमारा पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें हम और भी डिटेल्स डाल सकते हैं जो कि मैं कर भी रहा हूँ, धीरे धीरे जितना हमें लगे उतना डिटेल्स डाले, ओवरवर्क हमें इसको नहीं करना है ताकि जो हमारा पेंटिंग है वो काफ़ी नेचुरल दिखे और ज़्यादा मेड अप ना दिखे। तो इसलिए हमें ओवरवर्क इसे नहीं करना है, लेकिन जितना चाहे आप उसमें डिटेल भी डाल सकते हैं। लास्ट में मैंने रोड में दो लाइंस बना दिए ताकि वो हमारे
आई को डायरेक्ट करे, तो उसके बाद हमारा सिग्नेचर करके ये ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ इसी ड्राइंग को मैं, इसी पेंटिंग को मैं एक और तरीके से थोड़ा डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके, डिफरेंट कंपोजिशन का यूज़ करके फिर से बना के आपको दिखाओ कि और क्या वेरिएशन हो सकता है। तो मैंने एक और स्केच बना लिया है जिसमें मैं थोड़ा डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट वे का यूज़ करूँगा। तो फिर से मैंने पेपर को पूरी तरीके से भिगा लिया है और अभी हम थोड़ा सा रिस्क लेंगे। और हमने क्या किया है, थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू कलर को यूज़ करके जो ट्रीज थे उसको हमने बहुत ही बोल्डली ब्लॉक कर लिया है, क्योंकि इस बार हमें पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट करने की क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वॉश में पूरे सारे कलर्स को मिक्स कर दिए। इस पार्ट में आपको डरना नहीं है, पहले ख़राब लग सकता है क्योंकि ये काफ़ी मतलब डरावना पार्ट है कि क्या होगा, ख़राब ना हो जाए, लेकिन आपको इसमें डरना नहीं है और पूरी तरीके से बोल्डली करना है। इसके बाद मैं डायरेक्टली डार्क्स पे जा रहा हूँ और डार्क्स में भी मैंने पूरी तरीके से उसको भीगने सूखने नहीं दिया है, क्योंकि अगर पूरी तरीके से सूख जाएगा तो हमें वो जो मिक्स होने का जो फील होगा वो नहीं आएगा। उसके बाद इसमें पिछले बार मुझे लगा था कि जो डार्क एरियाज थे उसको मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डार्क कर दिया था, इसलिए मैं इस बार इसको लाइट रख रहा हूँ। देखता है कैसा लग रहा है ये ड्राइंग। तो इस बार मैंने क्या किया कि जो ब्लूज है उस कलर को ही हमने यूज़ किया, लेकिन थोड़ा लाइट शेड उसका यूज़ किया, ज़्यादा वाटर दे के और कम पिगमेंट का यूज़ करके। ये जो पूरा सीन है काफ़ी कूल रहेगा इस बार। पिछले बार उस सीन कूल था लेकिन वार्म भी ज़्यादा था, इसलिए इस बार मैं पूरे टोन को कूल रख रहा हूँ, क्योंकि कूल कलर्स का यूज़ करके जो कि है ब्लूज़ और ग्रीन्स काफ़ी कूल कलर्स होते हैं, और जितना हम येलोस का यूज़ करेंगे उतना वो ज़्यादा वार्म हो जाएगा। तो हमारा जो ट्रीक एरिया है उसको ही मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ इस बार, क्योंकि मुझे उसी पार्ट में इम्प्रूव करना था। ये ड्राइंग करने का ये पर्पस नहीं है कि वो मतलब अच्छा मुझे कोई मास्टरपीस बनाना है, ये प्रैक्टिस के लिए। फिर से मैं इस बार जो कोकोनट ट्रीज है उसको मैं बना रहा हूँ, और इस बार देख रहा मैंने सबको मिक्स कर दिया, सारे कोकोनट ट्रीज को अपने आप में ही मिक्स कर दिया। ये भी एक ट्रिक है जो कि एक इंटरेस्टिंग शेप, मैं बस एक शेप बना रहा हूँ और उसमें पेंट भर रहा हूँ, बाकी जो व्यूअर है उसके ऊपर है कि वो उसको क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमको क्या दिख रहा है नेचर में, और वो हर एक व्यूअर की उसके बाद ड्यूटी होती है कि उसको खुद अपना मीनिंग उसमें ढूंढना है। तो इसके लिए मैंने जो ट्रीज है उसको ऐसे किया। उसके बाद कोकोनट ट्री के जो बैकग्राउंड में खड़े, इस बार मैंने उसका वॉश थोड़ा और डार्क दिया जो कि पिछले बार मुझे लाइट लग रहा था। उसके बाद मैंने कोकोनट ट्री को भी पेंट किया। तो मुझे लग रहा है कि कोकोनट ट्री जो है पिछले वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे इस वाले से, क्योंकि पिछले वाले का जो बैकग्राउंड था वो लाइट था तो वो उभर के आ रहा था, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी डार्क है इसलिए वो उतना उभर के नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ठीक है क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट ही था। उसके बाद मैंने फिर से ह्यूमन को पेंट किया, उसको थोड़े से डिटेल में बनाने की कोशिश की, उतनी ज़्यादा डिटेल नहीं देनी है, बस सिंपल वॉशेस में उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो टोटल है उसको भी हमने उसी तरह से सिंपली थोड़ा सा पेंट कर दिया। इसी तरह से हमने जो बैकग्राउंड के ट्रीज है उसमें थोड़ी और डिटेल ऐड करते गए विथ माय सिंथेटिक ब्रश। ब्रशेस मैं चेंज करते जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेंटिंग, और लास्ट में बस कुछ सिल्वेट बना दिए मैंने अपने जो सिंथेटिक ब्रश है उससे, और पिछले बार की तरह ही हमने इस ड्राइंग को भी कंप्लीट कर दिया विथ फ्यू एक्स्ट्रा डिटेल्स जो कि आपकी इच्छा है आपको देने कि नहीं देने हैं, और लाइन्स। सो इफ़ यू एंजॉयड द पेंटिंग प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल।